वेलकम अगेन इन सिनर्जी एडुटेक। बच्चों अपन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वाला टॉपिक, ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब आज एक मैं उसी की एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो बताई थी एक साइंटिस्ट ने, हेनरी लॉ। अब अपन ने जो लास्ट क्लास में रिलेशन पढ़ा था वो सिर्फ एक कंपेयरिंग क्वांटिटीज थी, मतलब प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी गैस इन लिक्विड की, पर कितनी इंक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी, कितना प्रेशर लूँ, कितनी गैस मेरी डिजोल्व हो जाए, वो सब नहीं पढ़ा था अपन ने। तो आज अपन यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करेंगे, मतलब क्वांटिटी के टर्म्स में, अमाउंट के टर्म्स में, मास के टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में अपन आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट दिया था साइंटिस्ट ने, उनका नाम था हेनरी। हेनरी ने क्या बोला, हेनरी लॉ ने ऐसे बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। तो इसने बोला कि पार्शियल प्रेशर जो होगा किसी भी गैस का, अब आप पार्शियल वर्ड्स कंफ्यूज मत होना, अभी मैं क्लियर कर दूंगा क्या, जो प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी लिक्विड के अंदर। अब देखो इस चीज को मैं डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ ये कैसे होगा। सपोज आपने एक कंटेनर लिया, ये आपका एक सिलेंडर कंटेनर है, यहाँ पे इस कंटेनर में ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और अब आप देखो ये आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आप मान लो कि 1 atmospheric प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड में डिजोल्व और कुछ मॉलिक्यूल इसके टॉप पार्ट पर, ये आपका लिक्विड फिल है, ठीक है। अब आपने क्या करा, सेम कंटेनर पे आपने क्या करा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया आपने, ऊपर पिस्टन लगाई, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया आपने डाउनवर्ड्स, तो क्या होगा, लिक्विड तो कंप्रेस होगा नहीं, लिक्विड इतना कंप्रेस तो होगा नहीं, मैंने बताया था लिक्विड इज हार्डली स्लाइटली कंप्रेसिबल। अब क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने पे पिस्टन नीचे आएगा, सपोज ये पिस्टन आपका यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है इनको फोर्स करेगा लिक्विड में डिजोल्व होने के लिए। तो पहले सपोज 4 मॉलिक्यूल डिजोल्व थे, अब यहाँ पे ये 8 to 10 मॉलिक्यूल डिजोल्व हो जाएंगे और यहाँ पे मॉलिक्यूल थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि यहीं के मॉलिक्यूल आपके नीचे आ गए। तो देखो यहाँ पे प्रेशर था 1 atm, अब यहाँ पे प्रेशर मैंने क्या 1 atm से थोड़ा सा ज्यादा, 1 atm से प्रेशर मैंने कर दिया ज्यादा, तो गैस के ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड में डिजोल्व हो गए। अब देखो अभी क्वांटिटी को अपन डिनोट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो गैस के मॉलिक्यूल क्या है, सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूट, और लिक्विड क्या है आपका सॉल्वेंट, लिक्विड है आपका सॉल्वेंट। तो मैं आपको बताया था सॉल्यूट के लिए मैं 8 लूंगा और सॉल्वेंट के लिए 2 लूंगा, तो ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो जाएंगे गैस के मोल, ये हो जाएंगे लिक्विड के मोल। तो मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकालूंगा सॉल्यूट का, मतलब गैस का, तो क्या आएगा Na+NbNb, ये आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, दैट इज x की वैल्यू आपकी होगी Na+NbNa+NbNb। तो अब जो मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटाऊंगा उसकी जगह आएगा आपका हेनरी कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये लो आपका हेनरी ने दिया है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, हर एक गैस के लिए अलग अलग होगी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर गिवन नहीं होगी तो आपको ये 2 डेटा गिवन होगे, आपको ये फाइंड करना होगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन और कांस्टेंट की जगह आएगा आपका KH, H इज हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हायर द वैल्यू ऑफ KH, सपोज आपके पास 2 गैस है, एक गैस है ऑक्सीजन और एक गैस आपके पास नाइट्रोजन, ठीक है, इसकी वैल्यू है K1, इसकी वैल्यू है K2। अब मैंने आपसे बोला कि K1 इज मोर देन K2, मैंने आपसे बोला K1 इज मोर देन K2, इसकी वैल्यू से ज्यादा है, तो अब आप इस स्टेटमेंट को पूरा करिए, हायर द वैल्यू ऑफ KH डैश विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो गैस है, प्रेशर कांस्टेंट ले लिया दोनों के लिए, मोल कांस्टेंट ले लिया दोनों के लिए। अगर मैं यहाँ पे KH बढ़ाता हूँ तो प्रेशर को कांस्टेंट रहने के लिए, सॉरी ये कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है, प्रेशर कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो क्या सॉल्युबिलिटी को कम होना पड़ेगा कांस्टेंट प्रेशर के लिए, तो क्या हो जाएगी लोअर। इसको यहां समझते हैं, 180 प्रेशर है ठीक है, ऑक्सीजन गैस है यहाँ पे। अगर सपोज मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन गैस फिल कर दी दूसरे कंटेनर में, तो क्या ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगी या नाइट्रोजन ज्यादा डिजोल्व होगी, वो डिपेंड करेगा KH पे। जिसका जितना ज्यादा KH होता है ना, वो गैस उतनी ही कम डिजोल्व होती है। तो आप याद रखो KH बढ़ाने पे आपकी मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, तो यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। क्या हो गई आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई सॉल्यूशन के अंदर किसी भी गैस की, समझ में आया आपको, 180 की बात कर रहा हूँ। अब ये रिलेशन अपन सेम यूज कर सकते हैं, सपोज आपके पास एक गैस है उसका प्रेशर है P1 और आपके पास उसका मोल फ्रैक्शन है XA1, और एक गैस है P2 उसका मोल फ्रैक्शन है XA2, ठीक है XA2। तो मैं बोल दूंगा ना यहाँ पे हेनरी कॉन्स्टेंट दोनों का सेम है, सेम ले लिया, तो क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे P1 upon P2 equal to XA1 upon XA2। तो सपोज अगर आपको दो गैस कंपेयर करने के लिए आती है, आपको ये 1, 2, 3 क्वांटिटीज गिवेन है और एक क्वांटिटी अननोन है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो अगर उन दोनों के हेनरी कॉन्स्टेंट सेम है तो, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एप्लीकेशन आपके पास आने वाली है। एक बार दोबारा टॉपिक को समझिए, प्रेशर अप्लाई करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर अप्लाई किया तो गैस के ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो गए, प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो गैस थोड़ी स्केप हो जाएगी तो कम मॉलिक्यूल डिक्रीज होंगे। यही आपका कंसेप्ट काफी सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी काम में आता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक के अंदर अपन जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी CO2 उसके अंदर डिजॉल्व रहेगी। जैसे ही आप उसका टैब ओपन कर दोगे तो वहां पे पूरी गैस रिलीज हो जाती है क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो गया। सेम टॉपिक अपन क्या करेंगे, कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशनड है, पर उससे पहले मैं आपको इसका कुछ एप्लीकेशन यानी कि इसके न्यूमेरिकल कराना चाहता हूँ इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग। तो आपका जो फॉर्मूला है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जो भी आपको लगता है नोट डाउन करने के लायक आप इसको नोट डाउन करते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को इनमें काफी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने सोचा क्या क्यों ना अपन इन्हीं को डिस्कस कर ले। तो ये आपके इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन दे रखा है फिर ये क्वेश्चन दे रखा है, पर मैं पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट फॉर CO2 इन वॉटर। अब देखो कंडीशन में बताता हूँ आपको क्या है, यहाँ पे आपके पास ये कंटेनर है ठीक है, इसके अंदर है वाटर है ना। हेनरी कॉन्स्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस, एट 298 केल्विन द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। अब सपोज सोडा वाटर है, ये कौन सा वाटर है, सोडा वाटर, क्योंकि इसमें कौन सी गैस डिजोल्व है, CO2 डिजोल्व है, और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 500 ml, कितना वॉल्यूम है 500 ml, और जो प्रेशर मैं ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ ना, ये प्रेशर की वैल्यू है 2.5 atm, कितना प्रेशर अप्लाई किया अपन ने 2.5 atm। अब आपसे पूछा है यहाँ पे कि इस सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी होगी CO2 की, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर दिस प्रेशर इज दिस, मतलब इसके अंदर कितनी CO2 डिसॉल्व है, ये CO2 के मॉलिक्यूल्स ले लो आप, तो आपसे पूछा है इसके अंदर CO2 कितनी डिसॉल्व है, मतलब आपको आंसर मोल्स में देना है, कितनी मोल्स CO2 डिसॉल्व है, ठीक है। अब आप देखो आपको हेनरी यहाँ पे लॉ यूज आ रहा है, तो आपको सीधा सा पता है कि हेनरी लॉ होता है प्रेशर इक्वल टू हेनरी कॉन्स्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये इंटू का सिंबल हो गया। अब देखो हेनरी कॉन्स्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर की वैल्यू है 2.5 atm, KH की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.67 × 10⁸ pascal, मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन मुझे नहीं पता, मोल फ्रैक्शन निकालना है CO2 का, तो मैं यहाँ पे CO2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट होगा आपका CO2, और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट आपका है वाटर,
ठीक है, अब इन दोनों को मिला के बना आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या बोला इसने, सोडा वाटर, क्योंकि CO2 अगर वाटर में होती है तो उसको सोडा वाटर बोलते हैं, मार्केट में मिलता भी है सोडा वाटर। ठीक है, अब देखो, अब बच्चे क्या करेंगे, सीधा एक्स ऑफ CO2 निकालेंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन CO2 निकालेंगे, पर ऐसा नहीं करना। यहाँ पर यूनिट दे रखी है ATM, यहाँ पर यूनिट दे रखी है पास्कल, क्या दोनों यूनिट सेम है? नहीं। तो आपको इस ATM को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इस पास्कल को ATM में कन्वर्ट कर लो। तो आपको रिलेशन याद होगा कि 1 ATM होता है आपका 1.01 × 10^5 पास्कल, आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, सॉरी 9th क्लास नहीं 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे मैं इसको ATM की जगह ये वाली पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 2.5 × 1.01 × 10^5 पास्कल इक्वल टू 1.67 × 10^8 पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो पास्कल से पास्कल कैंसिल, मोल फ्रैक्शन मुझे पता है यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2.5 × 1.01 × 10^8 अपॉन 1.67 × 10^8, सॉरी यहाँ पे आएगा 10^5। तो आपको कैलकुलेशन करने पे ये वैल्यू मिलेगी 1.51 × 10^-3। देखो बहुत कम वैल्यू मिलती है मोल फ्रैक्शन की। अब मोल फ्रैक्शन तो आ गया CO2 का, अब आपको यहाँ पे मोल निकालना है किसका, CO2 का। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर। देखो ये फॉर्मूला वही है, एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी, यहाँ पे सॉल्यूट है CO2 और सॉल्वेंट है वाटर। अब आप बोलोगे मुझे ये मोल निकालना है और ये वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू क्या लेंगे, वाटर का मोल कितना लेंगे, तो वाटर का यहाँ पे देखो वॉल्यूम है 500 ml, तो डेंसिटी अगर मैं यहाँ पे 1 g/cc लूँ तो इसका मास भी कितना हो जाएगा, 500 g हो जाएगा मास। ठीक है, तो वाटर के मोल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मोल कैसे तरीके निकलता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो देखो कैसे करेंगे, ये वैल्यू है 1.51 × 10^-3 एन ऑफ CO2 अपॉन एन ऑफ CO2 प्लस 500/18। ठीक है, 500/18। अब एक चीज देखो, ये वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी आई है आंसर में, यानी कि मैं क्या इस क्वांटिटी को इससे नेगलेक्ट कर दूं, क्योंकि ये सॉल्व करने में मिलेगा 27 पॉइंट समथिंग, तो मोल्स ऑफ CO2 बहुत कम आने वाला है, तो क्या मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, ऑफकोर्स मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ ताकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो मैं इसको लिख दूंगा 1.51 × 10^-3 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन, इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका 500 / आपका ये 18, तो ये सॉल्व करने पाता है 27.7 मोल। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी एन ऑफ CO2 की, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 0.42 अप्रोक्स, 0.419 ऐसा आंसर, ये 0.42 भी आप लिख सकते हो, 0.0 सॉरी 0.0 आएगा, ये 0.042। ठीक है, हो जाएगा क्लियर, बहुत सिंपल है, आप एक बार खुद ट्राई करिए बिना देखे करने की, आपको समझ। तो अगला क्वेश्चन है, H2S a toxic gas with rotten egg smell is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at HTP is 0.195 m, calculate Henry constant. मतलब आपको यहाँ पे KH की वैल्यू निकालनी है और आपको यहाँ पे H2S की सॉलिबिलिटी दे रखी है, मतलब यहाँ पे आपको H2S का मोल दे रखा है। देखो फॉर्मूला अपने पास एक ही है, P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। क्लियर, अब प्रेशर मेंशन नहीं है डायरेक्टली, पर आपको कंडीशन मेंशन है HTP की। अब आपको याद होगा HTP पे क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। प्रेशर अपन लेते हैं 1 ATM, क्या होगा प्रेशर आपका 1 ATM या फिर 0.97 bar, बार में इतना होता है, आपको याद होगा, नहीं आता तो 11th क्लास का कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज है, HTP 1 ATM ले लो। अब मैं यहाँ पे अगर प्रेशर की वैल्यू 1 ATM रखता हूँ तो आंसर मेरा ATM में आएगा, बार रखता हूँ तो आंसर मेरा बार में आएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, 1 ATM KH की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब लिखना है एक्स से मोल फ्रैक्शन, देखो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, H2S गैस, किस में डिजोल्व है, ये वाटर में डिजोल्व है, वाटर का मास नहीं पता मुझे, वाटर की मास नहीं पता, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे,
मोल्स ऑफ एच टू एस अपन मोल्स ऑफ एच टू एस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर क्या लेंगे अपन? देखो मोल दे रखा है, तो ये आई थिंक पर लीटर के हिसाब से गिवन होता है आपको, कंसेंट्रेशन जो भी होती है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे वाटर को 1 लीटर अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा आंसर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ग्राम वाटर। कितना वाटर? 1000 ग्राम। इसका मोल निकालूंगा मैं, तो 1000 को करूंगा डिवाइड बाय 18। तो ये आपको ये चीज याद हो तो याद है, 55.5। तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 1 ये KH इंटू ये वैल्यू दे रखी 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5। ठीक है, अब बताओगे ये वैल्यू बहुत छोटी, इससे छोटी, तो क्या मैं इसको नेगलेक्ट कर दूं? नेगलेक्ट कर सकता हूँ। अगर नहीं भी करते तो आंसर में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट करके इसको सॉल्व करके आप केएच की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब मैं इंस्टॉल नहीं करा रहा, कैलकुलेशन पार्ट है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इसका आंसर अराउंड 240 या 250 के अराउंड आएगा बाहर के अंदर, अगर एटीएम में आंसर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ की, डेली लाइफ में आप इसको कहाँ पे यूज करते हो।